हरदोई की ब्लॉक भरावन सीएससी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा धांधली और गर्दी मची हुई। आपको बताते चले कि भरावन जिला हरदोई थाना अतरौली में जहां पर सीएससी अस्पताल है, इसको कोरोना महामारी में 6 डॉक्टर इस समय कोरोना महामारी के चलते हुए वहां पर 6 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन मौके पर एक भी डॉक्टर वहां नहीं पाया जाता, जहां पर होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर ओपीडी भी चलाई जा रही है। वहीं पर जब जानकारी अधीक्षक जी से लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक लिखना जानते हैं, और जब हमारी मीडिया टीम अधीक्षक के पास बात करने के लिए पहुंची तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर होम्योपैथिक वाले एलोपैथिक की अंग्रेजी दवा भी लिख लेते हैं, इसीलिए वह लिख रहे हैं। तभी मीडिया टीम ने जानकारी लिया कि सर आपके पास अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि 6 डॉक्टर हैं, जिसमें से एलोपैथिक के डॉक्टर एक भी मौजूद नहीं मिले। वहीं इन डॉक्टरों की लापरवाही कई मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही। देखते हैं प्रशासन के द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की जाती। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आरके सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई। कोरोना महामारी के चलते सभी सामाजिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई। हजारों लोगों के विवाह की तारीख भी इस लॉकडाउन के चलते बदल गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अमेठी कोहना में बौद्ध धर्म को मानने वाले 9 दंपति ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए बौद्ध धर्म के अनुसार वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। काजल पुत्री अजय कुमार शाह के वर पक्ष से, कमल पुत्र अशोक कुमार शाह के दोनों तरफ से जिला प्रशासन से परमिशन लेने के बाद 5-5 लोग विवाह स्थल पर एकत्र हुए, जिसमें सोशल डिस्टेंस के साथ सभी लोग मास्क लगाए हुए दिखाई दिए। यह विवाह बौद्धाचार्य रामबरन सिंह साकी ने संपन्न कराया। इस विवाह को लेकर जब दूल्हा बने कमल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वह केरल में नौकरी करते थे। फरवरी में विवाह तय होने के बाद से घर पर रहते थे। विवाह की तारीख पहले 11 अप्रैल तय की गई थी। हर रिश्तेदारी में कार्ड का भी वितरण कर लिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते वह तारीख कैंसिल करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से सामान्य तरीके से विवाह किया है, लेकिन इस प्रकार से सभी को हमेशा विवाह करना चाहिए, जिससे तमाम खर्चों की बचत होती है। जो पैसा बचत में आता है उसको भी किसी व्यापार में लगाया जा सकता है। तो वहीं नवविवाहित काजल का कहना है कि विवाह लॉकडाउन के बाद होता तो तमाम प्रकार के खर्चों का बोझ उनके पिता व ससुराल पक्ष पर भी पड़ता, लेकिन वह विवाह सादगी के साथ संपन्न हुआ, उससे वह बेहद खुश है। क्या नाम है भैया? कमल साकी। आज आप इस सादगी में शादी कर रहे हैं, कितनी डेटें आपकी कैंसिल हुई? मतलब इस तरीके शादी करने से लोगों के लिए क्या संदेश है आपका, क्या क्या फायदे हैं इससे? इससे लोगों को काफी फायदे हैं, खर्चा भी बचता है, काफी अच्छा भी रहता है, इसके लिए भी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहती है इसके लिए। आज आपने मास्क लगाया है, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया, कितने लोग दोनों पक्षों से? 5-5 लोगों की परमिशन आपको मिली? 5 लोगों की परमिशन से। और भी काफी फायदे हैं इससे भी, आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो ऐसी शादी अच्छी रहेगी। क्या लगता है सर, लगातार ऐसे चलता रहता है तो लगातार ऐसे है तो ठीक भी है, ऐसे नहीं हो पा रही तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या नाम है आपका? प्रगति जी, आज आपकी शादी है, किस तरीके से ये पूरा प्लान आपके दिमाग में, क्या लगता है आपको इस तरीके से शादी करने से कितना बेहतर तरीके से रहा जा सकता है? मेरे पिताजी हमारी शादी 11 अप्रैल को करने जा रहे थे, पर ये लॉकडाउन के कारण वो रुक गई। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा देख लेते हैं लॉकडाउन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, पर थोड़ा काफी इंतजार करने के बाद लॉकडाउन नहीं खुला, तो पिताजी ने बोला कि ऐसे ही शादी कर लेते हैं, कब तक इंतजार करेंगे। फिर क्या नाम, हम लोगों ने डिसाइड किया एक दूसरों से, फिर बोला कि ठीक है, ऐसे शादी करने से हमारे पिताजी का भी बोझ कम हो गया। फिलहाल में पिताजी ने किया तो है, पर उसमें बहुत उनका बोझ हल्का हो गया है, उन्हें काफी राहत भी मिली है, और हमारे ससुराल पक्ष को भी बहुत राहत मिली है इससे, उनका काफी खर्चा भी बच गया है और हमारे पिताजी का भी थोड़ा खर्चा बच गया है। तो क्या संदेश है कि लोगों को इसी तरीके से सादगी से शादी करनी चाहिए? हमारा संदेश है, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, हमेशा हर समय इसी तरीके से अगर यही रीति रिवाज चलाए जाए तो काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस रीत से बहुत लोगों को फायदा होगा। अगर हम बेटी के पास पैसे, बेटी के पिता के पास पैसे नहीं है तो वो कम से कम अपनी बेटी को अच्छे से विदा तो कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल आपको नहीं नहीं ऐसा है ना कि ख्वाब तो सबके होते हैं, सबको लगता है कि हाँ हमारी शादी खूब धूमधाम से होगी, अच्छा लगेगा,
पर सिचुएशन देखना पड़ता है भाई। मतलब अब हमारे यहाँ सिचुएशन ऐसा है तो हमें उस सिचुएशन के साथ चलना पड़ेगा। मतलब लॉकडाउन का भी पूरा ध्यान, लॉकडाउन का भी पूरा ख्याल है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णवीर सिंह साक्षी है। आप किस पक्ष से हैं? मैं भरपक्ष से हूँ। भरपक्ष से हैं। लड़के के कौन लगते हैं? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई है। तो आप इस सादगी से शादी हो रही है लॉकडाउन के चलते, तो इसको किस नजर से आप देखते हैं? मैं तो इसे आर्थिक रूप से भी सही देखता हूँ और सामाजिक दूरी के हिसाब से भी सही देखता हूँ। इससे क्या दोनों पक्षों का फायदा होता है, बैंड वाजा से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो अपने बचा सकते हैं, उस खर्चों को बाद में हम वैवाहिक जीवन में आगे यूज कर सकते हैं चीजों को। और बाकी लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, शादी हमेशा सादगी से ही करनी चाहिए, जिससे कि अतिरिक्त बोझ ना लड़के बरपक्ष पड़े ना कन्या पक्ष पड़े। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनय यादव की रिपोर्ट, फरुखाबाद। हरिद्वार जनपद के फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शाहबगंज पुलिस चौकी के रहने वाले हरिश्याम लोलियान टोला, जो कि पल्लेदारी का काम अपने परिवार का पालन पोषण के लिए करता है, लॉकडाउन लग जाने के बाद से कोई काम न होने पर कमाई का जरिया भी बंद हो गया है। उसके बावजूद भी हरिश्याम अपने ठेले पर चुनी चोकर घुसा पानी इत्यादि लाद कर सुबह 10 बजे से रात तक सड़कों पर घूम रहे हैं व बेजुबान जानवरों को भोजन कराने का कार्य कर रहे हैं। यदि कोई गाय बंदर कुत्ता किसी तरह की घटना में इन्हें चोट लगती है तो उनका इलाज व कराने के लिए अस्पताल तक ले जाते हैं, पर शासन प्रशासन के आला अधिकारी इस व्यक्ति के ऊपर कभी निगाह नहीं डालते कि यह किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन 23 मार्च के बाद से लगातार हरिश्याम रोज की तरह आज भी जानवरों को भोजन कराते दिखेंगे। हमारे संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। 19 कोरोना वायरस महामारी का वैश्विक जो रूप ले लिया है, ये पूरे भारत ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में रखा है। इसी तरह से अगर बात करें, ये उत्तर प्रदेश का ये जनपद अयोध्या है और मैं दिखाऊंगा प्रभु श्रीराम की नगरी है। यहाँ पर गौ सेवा या समाज सेवा ऐसे तमाम सामाजिक कार्य लोग करते रहते हैं। अगर इसी तरह से बात करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये बहुत ही गरीब तबके का यानी जनपद यही रहने वाला है और साहबगंज चौकी पास इसका घर है, आवास है, और ये पल्लेदारी करके ये अपना जीवन यापन परिवार का पालन करता था। लेकिन लॉकडाउन यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के रेप में घोषित की गई, लेकिन 23 मार्च से कर्फ्यू लगा दिया गया यानी लॉकडाउन पूरी तरह से यहाँ पर लग गया। अब मैं बताऊँगा, ये जो व्यक्ति है ये सुबह 10 बजे घर से निकलता है और रात 1 बजे तक यानी जितने भी जानवर इसको मिलेंगे रोड पर, ये चूनी चोकर भूसा यानी सब लेकर चलते हैं और एक खिलाते हैं। मैंने इनसे बात किया कि इनको ये कहाँ से मिलता है, तो इन्होंने बताया कि मैं पल्लेदारी करके अपना पालन पोषण करता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद काम रुक गया तो मैं अपने पैसे से इसको खरीद करके और ये खिलाते हैं। आइए इनसे बात करता हूँ, क्या है इसमें जो ये खिलाते हो, इसमें कहाँ से पैसा मिलता, क्या है? ये अपने कमाते हैं, पल्लेदारी करते हैं, सब जानवर को सेवा करते हैं, दवा लगाते हैं। क्या काम करते हो आप? हम ठेला चलाते हैं, ठेके में। अरे हमने कितना मिल जाता था? ये 500-600 रोज कमाते हैं, जानवर सब लगा देते हैं। लेकिन आप कमाई है नहीं है? इस समय कमाई नहीं। सरकार से कुछ फायदा मिला? सरकार कोई फायदा नहीं। कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिश्याम साहबगंज लोनियाना टोला। देखिए हरिश्याम है और साहबगंज स्थित लोनियाना टोला के रहने वाले हैं और ये जो है जब से लॉकडाउन लगा है उसी डेट से ये लगातार यहाँ पर जिस तरह से ये पशु को खिलाते रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। शासन प्रशासन यानी नगर निगम की बात करेंगे, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय या प्रशासनिक अधिकारी जो भी हो, मैं उनसे चाहता हूँ कि इनके लिए कुछ मदद करनी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ये कार्य कर रहा है तो बहुत ही प्रशंसनीय है और सरकार को इनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं सुबोध श्रीवास्तव, टीवी वन इंडिया न्यूज, अयोध्या से। कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद से जब सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तब मीडिया कर्मी पुलिस कर्मी को चाय बिस्किट पिलाने के लिए 72 वर्षीय रामकुमार जायसवाल बुजुर्ग में हाथ थर्मस व बिस्किट का पैकेट लेकर घर से निकलते थे और चौक में तैनात सभी लोगों को चाय पिलाते थे। वहीं जब उनसे इस बात पे वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि हमने देखा कि पुलिस कर्मी मीडिया कर्मी इतनी मेहनत करते हैं और इनको चाय पानी भी नहीं मिलता, तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इन लोगों के लिए वह थोड़ा सा प्रयास करें, लोगों को चाय मुहैया कराए। हनुमान स्वामी की कृपा है कि वह स्वस्थ हैं और जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक इसी प्रकार सारे राहगीरों व पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों की वह अनवरत सेवा करते रहे। था और ये प्रेरणा इसी मिली कि सपने में मुझे लगा कि पुलिस वाले या मीडिया या और भी कुछ लोग यहाँ ड्यूटी देते हैं, इनको चाय
या किसी प्रकार की सेवा करना हमारा दायित्व धर्म है। तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम चाय पिला रहे हैं और जब तक रहेगा तब तक प्रभु की कृपा हनुमान स्वामी की रहेगी, हम पिलाते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार जायसवाल, पिता का नाम नरेश्वर प्रसाद। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 72 पूरी हो गई, 73 चालू होने वाली है। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। कानपुर में कोरोना बीमारी के बीच किसानों के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। लाखों की फसल चौपट होने से उनके आगे भुखमरी की समस्या भी पैदा हो गई। कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील के मुसायरपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्याज की फसल चौपट होने से किसान परिवार बर्बादी की कगार पर है। तो वहीं उनके बेटे का विवाह भी रुक गया है। मदद के नाम पर प्रशासन ने सिर्फ नियमों का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया है, जहां पर एक के बाद एक समस्याओं ने किसानों की कई मुसीबतें बढ़ा रखे हैं। तो वहीं शादी के माहौल में डूबे इस किसान के परिवार पर उस वक्त पानी फिर गया जब बेमौसम हुई बरसात ने उसकी 5 बीघा प्याज की फसल सड़ गई, जिससे उस किसान को काफी नुकसान हो गया। अच्छा, ये जो बेमौसम बरसात हुई है, जो ओला गिरा है, इससे क्या नुकसान हुआ आपके प्याज की फसल को? इसके प्याज के नुकसान 80% तक नुकसान हुआ है और मात्र 20% तक बचो। कोई तहसील से अधिकारी आया आकलन करने नुकसान का? हाँ, एक अधिकारी आए थे तो उनने कही कि इसका कोई मतलब ऊपर सरकार से नहीं मतलब है हिसाब। क्या हिसाब नहीं है? मुआवजा नहीं मिली है इसका। अच्छा, जो अधिकारी आए थे कह रहे थे। हाँ। अच्छा, कई बीघे फसल थी ये आपकी प्याज की? 5 बीघे। अच्छा, कितनी होती है 5 बीघे में फसल प्याज की? कितने? 3 लाख रुपये। अच्छा, तो अब जैसे ये ओला गिर गया, पानी गिर गया, तो आप कितने की बची है फसल? आप करीबन 1,00,000 रुपया। लागत कितनी आई होगी इस 5 बीघे प्याज की फसल में? लमसम 75-80 हज़ार। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अंकित कटियार के साथ मोहम्मद आफाक की रिपोर्ट, कानपुर। रायबरेली, उन्नाव सहित कई जिलों के जनमानस में अगाध श्रद्धा के केंद्र परम संत शोभन सरकार ने आज अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। परम तत्व पंच तत्व में विलीन महाराज शोभन सरकार, जिसके प्रति जनमानस में अटूट श्रद्धा थी। बाबा शोभन सरकार, जिनका कानपुर के बैरी शोभन गांव में विशाल मंदिर व आश्रम, और इसी तरह की उन्नाव जनपद के बक्सर में जहाँ माँ चंडिका का सिद्धि पीठ है, जहाँ कभी अंग्रेजों के शासन काल में बैसवारी के शौर्य पुरुष राजा राव राम बख्श ने युद्ध किया था और बाद में अंग्रेजों ने उन्हें उसी बक्सर के करीब फांसी दे दी थी। इसी बक्सर में संत शोभन सरकार ने माँ गंगा के पावन तट पर विशाल आश्रम व घाट बनवाया। वह बक्सर पुल में भी शोभन सरकार का अहम योगदान रहा और कुछ साल पहले 1,000 टन सोना होने की भविष्यवाणी के कारण भी देश विदेश में खूब चर्चित रहे। वैसे संत की कभी मृत्यु नहीं होती, संत तो जन्म मरण की सीमा से परे होते हैं, लेकिन फिर भी नश्वर शरीर की अवधि पूरी होने पर संत इनका त्याग कर देते हैं। इसी क्रम में भारी संख्या में जनमानस के हृदय में अपनी श्रद्धा रखने वाले परम संत पूज्य शोभन सरकार ने अपना देह त्याग कर दिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट, रायबरेली। दबंग कोटेदार के हौसले बुलंद, यह ताजा मामला लालगंज रायबरेली का है। वहां पर रावंतार ग्राम निवासी मेरोई कम राशन देने की शिकायत आपूर्ति निरीक्षक से की तो प्रधान भानु सिंह व कोटेदार गयादीन तथा विजय सोनार ने शिकायतकर्ता के घर जाकर दबंगई दिखाते हुए धमकाया और सादे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करा। जानकारी प्राप्त होने पर संवाददाता राजेश यादव ने संपर्क साधा तो उसने अपनी आपबीती सुनाई। अब देखने वाली बात यह है कि कोटेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है या नहीं। क्या नाम है भैया? अमलाल। क्या दिक्कत है? राशन कम देते हैं तो शिकायत की ना अधिकारी के सामने, तो धमका के नहीं जमा तो स्टाम्प पेपर पर साइन करा लेंगे जबरदस्ती। कौन कौन था? विजय सोनार प्रधान, भानु सिंह और कोटेदार गयादीन। जबरदस्ती साइन करवा लेंगे दरवाजे पर से स्टाम्प में। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश यादव की रिपोर्ट, रायबरेली। पहले तो किसानों को बेमौसम बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा कटरी में खेती कर रहे किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी। वहीं किसानों ने दोबारा मेहनत कर सब्जियों को तैयार किया, पर लॉकडाउन की वजह से किसानों की मेहनत पर फिर पानी फिर गया। डलमऊ तहसील क्षेत्र के लगभग 400 बीघे गंगा कटरी क्षेत्र में किसान ककड़ी, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, भिंडी, परवल, तरबूज, खरबूजा सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों को उगाते हैं, पर इस बार गंगा कटरी क्षेत्र में खेती कर रहे
किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा एक रुपए की भी मदद नहीं की गई। फरवरी और मार्च के मध्य उक्त सब्जियां तैयार होने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक गंगा का जल स्तर बढ़ गया, जिसके चलते उक्त सब्जियां जलमग्न होकर नष्ट हो गई। गंगा का जल स्तर जैसे ही घटा, किसानों ने पुनः उक्त सब्जियों की खेती करने की योजना बनाई, लेकिन ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से सब्जियों की फसलें दोबारा चौपट हो गई और किसान कर्जदार हो गया। किसानों ने फसलों के नुकसान के लिए शासन प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन उन्हें एक भी रुपए की मदद नहीं मिल पाई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेश यादव की रिपोर्ट, डलमऊ रायबरेली। पुत्री की ससुरालियों ने की दहेज की मांग तो पिता ने की आत्महत्या। आपको बता दें कि एटा जनपद में एक पिता ने दहेज लोभियों से त्रस्त आकर के अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दूसरी ओर दहेज लोभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद एटा के थाना नया गाँव क्षेत्र के अंतर्गत गाँव असगरपुर निवासी संतराम पुत्र आसाराम, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसने रात में मक्के के खेत में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि संतराम ने अपनी लड़की की 3 महीने पहले ही शादी की थी। लड़की की शादी के बाद से ही ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, जिसे पूरा करने में असमर्थ संतराम ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ना वे माने और ना ही लड़की को घर भेजा। अंत में उनकी धमकियों से तंग आकर के संतराम ने रात्रि में खेतों पर जाकर गले में फांसी का फंदा डाल लिया और आत्महत्या कर ली। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसे दहेज लोभियों से कब तक एक पुत्री का पिता आत्महत्या करता रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं राम सेवक। कहाँ रहते हैं आप? नवाबगंज जिला। आप पोस्टमार्टम हाउस पे आ रहे हैं, क्या है मामला? ये मामला जो है इसके, हमारे संतराम शादी करी लड़की की, यहाँ हमारी भांजी की, यहाँ इनने साहब दहेज मांगा सुवर्ण सिंह ने, यहाँ जमीन भी मचेगी। जब लड़की बुलाने आए तो इन्हें मारा पीटा बहुत, हमारी बहन को मारा, बानू साहब मारा है वो, हमारे ने धमकी साहब देते थे और यहाँ लड़की का पढ़ाया नहीं है वो। तब साहब रात में हमने अपनी फोन से बात भी तुमको मार देंगे, तब इन्हें अपनी आप हत्या कर ली साहब। क्या नाम है आपकी बहनोई का? संतराम। किस बात को लेकर धमकी दे रहे थे ये साहब? जमीन दहेज पा साहब। कहाँ पर फांसी लगाई है इन्होंने? जी साहब भाई मैं मक्के भी साहब। और आप लड़की को कब से नहीं भेजा ससुरालियों ने? लड़की साहब जब तक शादी तो भेज रहा, 3 महीना भी है। कितनी साल शादी को हो चुकी है? साहब 3 महीना बता दी भाई। 3 महीने? हाँ साहब। पुलिस कार्रवाई भी की है कोई? साहब नहीं आए थे साहब, नहीं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक दीक्षित की रिपोर्ट, एटा। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सभी जिलों में क्वारंटाइन कैंप बनाए हैं, जहां सुविधाओं के अभाव में दुर्व्यवस्थाओं की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। जिले के यूपी बिहार बॉर्डर पर बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जहां लोगों ने खाना और पानी नहीं मिलने की शिकायत। लेकिन हद तो तब हो गई जब जांच करने पहुंचे एसडीएम साहब दुर्व्यवस्था को दूर करने के बजाय खुद ही पीड़ित को धमकी देने पर उतारू हो गए और होम क्वारंटाइन तोड़ने पर मुकदमा करने के निर्देश। दरअसल लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रांतों से घरों को पलायन कर रहे लोगों को सैयद राजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। इस कैंप में रह रहे 9 लोग चंदौली के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की दुर्व्यवस्था से परेशान होकर एक वीडियो भी बनाया, जिसमे क्वारंटाइन किए गए लोगों ने शिकायत करते हुए बताया कि यहां समय से ना तो खाना मिल रहा है और ना ही पानी। यही नहीं, खाने में मात्र 3-4 पूड़ी और सब्जी दी जा रही। वहीं जब जिम्मेदारों से इसकी शिकायत की तो खाना पीना बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। नेशनल इंटर कॉलेज में प्राण रखे गए हैं, क्या मामला है? नेशनल इंटर कॉलेज सैदराजा में 9 लोगों को ये क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। ये लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन घूमते हुए मिले थे, इसलिए इन लोगों को ला करके होम क्वारंटाइन किया गया है। सर, इनके द्वारा ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, ये कारण ये कल वीडियो वायरल किए थे। ये गलत है, आकर के हमें यहाँ पूछताछ भी किए और खाने के भी देखे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों पूछताछ के दौरान भी बताया गया कि नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए वीडियो वायरल किया गया कि ये होम क्वारंटाइन थे, ये घूम रहे थे, इसलिए यहाँ पर रखा गया है, इसलिए इन लोगों ने वीडियो वायरल किया है। खाने की कोई कमी? कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई की जाए, इन लोगों पे एफआईआर दर्ज होगा, धारा 188 में एफआईआर दर्ज किया जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, चंदौली।